दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है कि यील्ड मैनेजमेंट को मेजरमेंट कैसे होती है। इसमें हम फॉर्मूलों को देखेंगे और हम बताएंगे कि यील्ड मैनेजमेंट में होता क्या है। तो पहला फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट, अगर हमें किसी सिंगल रेट निकालना हो तो इसमें होगा सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम रिवेन्यू बाई नंबर ऑफ रूम। आपको दोस्तों समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है। पोटेंशियल एवरेज रूम सिंगल रेट निकाल रहा हूँ तो सिंगल ऑक्यूपेंसी ऑफ रूम रिवेन्यू बटे सॉरी बाय रूम नंबर ऑफ रूम। इसमें हम दूसरा हमारा फॉर्मूला होएगा पोटेंशियल एवरेज डबल रेट इज इक्वल टू डबल ऑक्यूपेंसी रूम रिवेन्यू बाई नंबर ऑफ रूम। आपको ये भी समझ में आएगा होगा दोस्तों, हमने दो फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं। नंबर पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट होता है, सिंपल सा है, एवरेज सिंगल रेट है तो सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम रिवेन्यू, जितना हमारा सिंगल रूम पे ऑक्यूपेंसी का रूम में रिवेन्यू आया है उसका बाई कर देंगे हम नंबर ऑफ रूम, सिंपल सा है। उसके बाद डबल रेट ऑक्यूपेंसी है तो डबल रेट है तो क्या होगा, डबल ऑक्यूपेंसी रूम रिवेन्यू बाय नंबर ऑफ रूम। आपको बिल्कुल दोस्तों क्लियर ही है हो गया होगा ये कि यील्ड मैनेजमेंट को हम मेजर कैसे करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा आता है मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। इसमें क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड बाई मोर देन वन गेस्ट, और इसको हम बाय में करेंगे नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम। ये दोस्तों ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड बाई मोर देन वन गेस्ट नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम। उसके बाद दोस्तों हमारा फोर्थ एक फोर फॉर्मूला निकलता है पोटेंशियल एवरेज रेट। इसमें क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मल्टीप्लाई रेट स्प्रेड। और सारा हमारा प्लस में हो जाएगा ये पोटेंशियल एवरेज सिंगल रेट। दोस्तों अब कवर हो ही गया होगा कि ये क्या है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कि
यील्ड मैनेजमेंट का कैसे निकालते हैं, यील्ड मैनेजमेंट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, ये भी दोस्तों बहुत आसान है। यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल एक्चुअल रिवेन्यू जनरेटेड बाय पोटेंशियल रिवेन्यू। ये भी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे।